हैं थ्री नंबर, क्या कह रहा है कि इन फिगर 7.136 एक्स वाई पैरेलल टू बी सी फाइंड एक्स वाई। चलिए हम लोग देखते हैं गिवन क्या है। गिवन में है आपके पास कि एक्स वाई जो है ना पैरेलल है बी सी के, ठीक है। अच्छा, और इसमें ये सब वैल्यू दिए हुए हैं, देखो ना ए एक्स इक्वल टू में दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, एक्स बी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, अच्छा और यहाँ पर बी सी दिया है 6 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड एक्स वाई, एक्स वाई को फाइंड करना है। चलिए देखते हैं इसको, हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। हम लोग इसमें देख सकते हैं कि एक्स वाई जो है ना पैरलर है बी सी के, ये हमारे पास गिवन है। हम इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि इफ टू, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले जब ये पैरलर है तो लिख देते हैं कि एंगल एक्स जो है ना इक्वल हो जाएगा एंगल बी के, एंड एंगल वाई जो है ना इक्वल हो जाएगा एंगल सी के, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये ठीक रहेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है, सॉरी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो जब ये इक्वल हो गया तो यहाँ पे ट्रेंगल ए एक्स वाई सिमिलर हो जाएगा ट्रेंगल ए बी सी के, एंगल एंगल सिमिलरिटी से। तो यहां पर लिख सकते हैं कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो अब जरूरत इसमें जो है उसको लिखेंगे, एक्स वाई लेते हैं ए एक्स वाई का, तो ए बी सी का बी सी हो जाएगा। यहां पर ए एक्स लेते हैं इस ट्रेंगल ए एक्स वाई का, तो ए बी सी का ए बी हो जाएगा। तो देखिए ये एक्स वाई तो हमें फाइंड करना है, बी सी आपके पास है 6 सेंटीमीटर, ए एक्स है 1 सेंटीमीटर और ए बी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर ना 1 और 3, जैसे ये काट देते हैं ये जाएगा उधर, तो 6/4 सेंटीमीटर, यहाँ 3 यहाँ पे 2, यानी कि आ जाएगा एक्स वाई इक्वल टू में 1.5 सेंटीमीटर। समझ गए, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन